सुनो फोटो लेने के लिए नीचे लटकना मत कोई भी पागल है पानी में से कल ही पत्थर से हम बच गए बस हो गए Let's have a wonderful start to this beautiful day. First time ever in my life, मैं दाल लेक पे क्या बोलते वो बोट है शिकारा बोट है उस पर मैं बैठा हूँ. इसके पहले जितने भी बार आया मैं बाहर रुका थोड़ी देर फिर यहाँ से निकल गया था. बट ये मेरी फर्स्ट टाइम है. इट्स अराउंड लाइक 6:40 ना कितना टाइम हो रहा है. हाँ हम लोग 6:30 के आसपास होटल से निकले. 6 बजे का प्लान था. ये बंदा और ये बंदा मुझे उठाने वाला था रिजवान. अब ये रिजवान है ये शैलेश है. रिजवान मुझे उठाने वाला था ये बिल्कुल आया नहीं. इनफैक्ट अमित ने मुझे उठाया एंड दैट्स व्हेन यू कुड मैनेज टू कम हियर. बाकी और कोई नहीं आया हमेशा अमित ही एंड ही इज़ वेरी पंचुअल. सो बहुत अच्छा लग रहा है. 2 सेकंड के लिए मैं बात नहीं करता आपसे. उसकी आवाज़ सुनिए चप्पू की जो आवाज़ आ रही है ना इट इज़ सो पीसफुल. बहुत अच्छा लग रहा है. ये जो माउंटेन दिख रहा है आपको पीछे एक सेकेंड छोटी वाली ये आपको माउंटेन दिख रहा है ये पीछे ये माउंटेन जो है यहाँ पे देखो सनराइज हो रहा है. इतना ह्यूज है ना वो शायद इसमें दिखता नहीं होगा आपको. बहुत दूर है वो एंड काफी ऊंचा है वो और उसके पीछे जो सनराइज हो रहा है एंड लुक एट द वे देयर इज द कलर्स हियर दिस इज सो ब्यूटीफुल. बहुत ही पीसफुल है. बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल भी शोर नहीं है. सिर्फ उनकी चप्पू की जो आवाज है वही आ रही है. देयर आर फ्यू बोट्स हियर. अरे अच्छा फोटो इट्स वेरी नाइस. द बेस्ट पार्ट इज बिहाइंड द कैमरा. ये रहा Thank you.
ಕಡೆ ಗುಟೆ ಅಚ್ಚಾ ಸುತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾದು ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 2 3 ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮೇ ಹಮಕೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾ ಯೇ ಸಿಟಿ ಮೇ ರಹೇಗಾ ಅಭಿ ವೋ ಕಾ ಬೈಕ್ ತೋ ಹಮಕೋ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಜನ್ನೈ ವೈ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬಬ್ ಬಾಬ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹೈ ಲೈಕ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ In the sky, twinkle, twinkle, little star. Why wonder what you are? Come on, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 and 10. Yay! Very nice. खुश हो गए. कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very nice. Yay! आपकी वीडियो? सर की वीडियो. अच्छा. Very nice, very nice. जब कल रात को हम लोग पहुंचे तभी दिक्कत ऐसे हो गई थी कि मेरे बाइक के एक सस्पेंशन जो फोक होता आगे का उसकी ऑयल सील लीक होकर जो ऑयल था वो स्पिल हो रहा था. It was all coming out. ऑन द डिस्क ब्रेक ऑल्सो विच वॉज डेंजरस क्योंकि डिस्क अप्लाई नहीं होंगे ऑब्वियसली अगर वो तेल जो है पूरे डिस्क पे रब हो जाएगा तो अभी किसी भी हालत में वो ठीक कराना ही था. एंड मैं अगली रात से चेक कर रहा था श्रीनगर में कहीं पर भी कावासाकी नहीं दिखा रहा था. बट वन प्लेस इट शोड दैट वहाँ पर कावासाकी है एज रिपेयर होता है. तो जैसे मैं वहाँ से निकला श्रीनगर के काफ़ी इंटीरियर्स में दिस वॉज समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर्स जहाँ हम लोग रुके थे होटल में उसके वहाँ पे 30 किलोमीटर्स था ये. आई वेंट देयर पर उस जगह पर तो कावासाकी शोरूम या वर्कशॉप नहीं था. देयर वाज केटीएम. जब मैं केटीएम पहुँचा तो मैंने उनको मेरी दिक्कत बताई कि ऑयल सील लीक हो रहा है, मुझे चेन सर्विस करनी है. सो दे सेड सर ऑयल सील का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे आपके यहाँ पे. वहाँ पे आई जस्ट मेट दीज टू काइंड बॉयज. दे सेड कि भैया अगर आप उनके कोई दोस्त थे आशिक जो गुलमर्ग में जिनका वर्कशॉप है गराज है उनकी, आप वहाँ पर चले जाइए. ही डज ऑल रिपेयरिंग एंड एवरीथिंग. सो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका काम कर देंगे. सो आई वॉज अ लिटल स्केप्टिकल कि वो वहाँ जाऊँ इतनी दूर क्यों. वहाँ से 47 किलोमीटर्स था. आई वॉज ऑलरेडी लूजिंग ऑन टाइम. मेरी वजह से बाकी लोग होटल पर भी रुके हुए थे. आई वॉन्टेड टू जस्ट फिनिश इट अप फास्ट एंड गो बैक देयर एट द होटल सो दैट वी कुड लीव टुगेदर. तो उन्होंने कहा 60 किलोमीटर्स दूर था वहाँ से. तो उनके दोस्त ने मुझे मैप्स दिया, उस मैप के हिसाब से मैं जा रहा था. एंड आई गॉट लॉस्ट समवेयर. आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड इनसाइड गुलमर्ग इंटीरियर्स में, लिटरली गांव में जा रहा था जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था, मैप्स नहीं चल रहे थे बाद में. सो आई वाज जस्ट कम्प्लीटली स्ट्रैंडेड. समहाउ एक जगह पे मुझे नेटवर्क मिला. वहां से मैंने आशिक को फोन किया एंड देन आशिक ने मुझे उसका लाइव लोकेशन भेजा. समहाउ आई मेड इट टू आशिक विच वॉज अराउंड 12:30. जैसे मैं आशिक के पास पहुंचा मुझे थोड़ा सांस मिलने की रिलीफ मिला, राहत की सांस मिली. तो जैसे आशिक ने मुझे बोला ही वाज साउंडिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो कर देगा. एंड यस, बाकी तो आप आगे देख लो. अंदर ले लो. तो पहले जो मैप दिया था आपके दोस्त ने, मैं किधर और ही चला गया था. आप कहाँ से? यहाँ से आए हो? नहीं, मैं यहाँ से हूँ. आशिक मेरे पास है ना, बहुत कम टाइम है. सो यस, फाइनली मैं पहुंच गया आशिक के पास. मैं वो गैराज ढूंढे कौन से रास्ते पहुंच गया था मुझे कोई आइडिया नहीं था. समहाउ आई ट्राई कॉन्टैक्टिंग आशिक एंड आई मैनेज टू कम हियर. दिस इज लाइक 10 किलोमीटर्स बिफोर गुलमर्ग. बाकी लोग सारे चले गए हैं होटल से, उनको मैंने आगे जाने बोला.
I was totally getting exerted because of that heat and then I had no idea मैं कहाँ जा रहा हूँ. यहाँ पे आने के बाद आशिक ने डायरेक्टली गाड़ी का काम ले लिया. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. सो ही इज वर्किंग ऑन इट. थैंक यू सो मच आशिक फॉर दिस चाय आपने जो दिया हो. और भी नाश्ता भी दिया खाने के लिए. सो अभी मैं खा लेता हूँ थोड़ा बहुत एंड फिर यहाँ से निकलता हूँ. वी ट्राई टू कैच देम अप. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आशिक का नंबर भी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ. अगर आप कोई भी व्हीकल हो, इनफैक्ट कोई भी इम्पोर्टेड व्हीकल हो, आई रिपीट कोई भी इम्पोर्टेड व्हीकल हो, कोई भी आपको दिक्कत होती है, कावासाकी है, ट्रैम्प है, आप आशिक को कॉल कर सकते हो. मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. उसका लोकेशन अगर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ट्राई टू डू दैट, बट डोंट ट्राई टू डायरेक्टली गो ऑन टू दैट लोकेशन. आप पहले फ़ोन करेगा उसको और जाइएगा. ही विल बी ऑफ ह्यूज हेल्प टू यू बिकॉज पूरे श्रीनगर में कावासाकी का कहीं पर भी नहीं है. KTM वाले भी मुझे हेल्प नहीं कर पाए. सो फाइनली आशिक इज ट्राइंग टू डू इट. मेरा काम हो रहा है. लेट्स सी, आई विल फिनिश दैट एंड लीव फ्रॉम योर ASAP. 3 बजे मेरा गला खराब हो गया. इट्स ऑलरेडी 3 o'clock. अभी जस्ट बाइक का काम हुआ है. यस, 0 point पे हम लोग पहुँचे अभी. सो आई मैनेज टू रीच बाय अराउंड, व्हाट इज द टाइम, इट्स अराउंड 6:30. 3 o'clock को निकला था मैं. सो 3.5 hours में 0 point, नॉट बैड. सो या नॉन स्टॉप आया मैं कहीं पे भी फूड ब्रेक नहीं लिया. आई वॉन्ट टू मीट दिस गाइज बिकॉज हम लोग का डिस्कशन पहले से हो चुका था कि सीधा जो भी अगर मिस होता तो 0 point पे मिलना है करके. एंड यस, आई थॉट कि अंधेरा हो जाएगा, बट नहीं, अभी तो अंधेरा तो नहीं है सरप्राइजिंगली. अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड इज आई लॉस्ट माय सनग्लासेस. हम लोग पीछे एक जगह पे रुके थे व्हेन आई मेट दिस गाइस ऑल. और मैं थोड़ा वो एप्पल खा रहा था एंड मैंने चश्मा निकाल के नीचे रख दिया, ऐसा अटका है जैकेट भी यहाँ पे. बट देन निकलते टाइम पर ट्रैफिक बढ़ रहा था, सो फिर आठ से बाइक से फटाफट निकलते करके और चश्मा शायद गिर गया यार. आई मीन आई फील सो बैड अबाउट थिंग्स. मेरा कुछ ना कुछ छोटा 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 नुकसान हो ही रहा है राइड में. जैकेट का हालत देखो, पूरा एकदम धूल बहुत उड़ चुका है. एनीवे, सो यस, देर आर दी स्नो मोबाइल. ये लोग ऊपर लेके जाते हैं और वो स्लाइड से आपको नीचे लेके आएंगे. सो दीज आर द राइड्स वी विल डिस्कस फर्स्ट विद एवरीवन, जो राइड लेना है या नहीं लेना है, और फिर ऊपर जाएंगे. सो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स. मैं आपको 360 देता हूँ इसका. शैलेश
भाई विराट कोहली का साइन किया दे रहा हूं चल का मुबीन मुबीन डॉक्टर मुबीन अरे खाना ना हाथ का मिला रहे कौन है कौन है वो स्नेडन स्नेडन शाहिदीन नाम रख दिया मेरा तो शशिकांत शफकत भाई को थैंक यू मिलिट्री में ये इधर शफकत को सच्ची में चलो थैंक यू इधर नहीं चाइनीज में मार दिया यस अरे बाप रे बाप रे बाप ये मैं लास्ट हूं लगता है बैंडी सर ये फोन ले गया ना इधर भूल गया आएगा तू नंबर लगा एंटीजन का जा 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 नहीं बचा और कौन लास्ट में आ रही हूं मिस्टर सचिन सॉरी फॉर द बैड लाइट होटल पे हम लोग पहुंचे कुछ अराउंड 11:35 11:40 के आसपास पहले भी आ सकते थे बट आरटीपीसीआर के इतने सारे वो रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स थे उसके वजह से बहुत टाइम गया हमारा हेक्टिक नहीं है बस दो तीन मैक्स विंडोज है जिन पे आपको जाना पड़ेगा एक जगह पे आपको आपके फॉर्म्स सॉरी रिपोर्ट्स दिखाने पड़ेंगे जो आपने आरटीपीसीआर किया है दूसरा मतलब आपको जाके एंट्री करनी पड़ेगी आपका नाम फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर एंड ऑल दैट और तीसरे काउंटर पर जाके वो एंटीजन टेस्ट होगा दैट इज़ वन थिंग ये होगा तुम्हारा द्रास के पहले ले में एंटर करने के लिए बोल रहा हूँ ये होगा द्रास के पहले फॉन श्रीनगर हाईवे अभी जब तुम द्रास क्रॉस करके जब तुम कारगिल में वो जानेश हाँ द्रास क्रॉस करते हो मतलब ख़त्म होता है जब भी तभी वापस चेकिंग होगा कि आपकी वो स्लिप जो आपको मिलती है एंटीजन करने के बाद वो स्लिप चेक करेंगे वो आपकी गाड़ी की डिटेल्स लेंगे मैंशन करेंगे फिर आपको भेजेंगे और आपके हाथ पे एक मार्क करते ऐसा कुछ RAT दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट डन सो दैट इज इट बाकी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं जस्ट इन केस आप अनलकी हो और आपके टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे सो यू मे टेक टाइम हम लोगों का एक डेढ़ घंटे एक घंटे में हो गया था ओनली बिकॉज ऑफ रश बाकी प्रोसीजर्स इतने डिफिकल्ट नहीं है सो यस होटल पे थोड़ा चिल कर रहे हैं यश इज ट्राइंग हिज हैंड ऑन स्नूकर मुझे खेलने नहीं आता यश को आई डोंट नो हाउ मच ही प्लेज वेल But then yeah, so let's, we will want to end this video here. Thank you so much for watching this video guys. अगर आपको पसंद आया हो तो definitely इसको like करिएगा, share करो friends के साथ and अगर subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना. बाकी stay tuned for the rest of the series. Tomorrow we will be going to Leh. Yes. Yeah, bye-bye. ऐसे shot लेगा तेरा नहीं? Ready? One, two, three, starting.